से नहीं निकाल आगरे के। तक करना, वजाहत वजाहत साहब आगरे से भाई, या वजाहत भाई आगरे से। मैं तो इस शुरू से आगे भी वजाहत भाई, वजाहत साहब इस वक्त मूसा खेल के वहाँ काम पे खड़े। चल शुरू हो गए इस राउंड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम इस वक्त मियाँ वाली में मूसा खेल के मकाम पे हैं और ये वजाहत साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। इस वक्त हम आपको चाइना किले के बारे में बताएंगे। ये पर ये चाइना किले है, इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर इसमें सिरामिक्स में होता है, उसके अंदर टाइल्स वगैरह सैनिटरी का सामान वगैरह इसका बनता है, वाइट सीमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो सैनिटरी के अंदर ज़्यादा जो इसके सामान टाइल्स वगैरह बनती है उसमें ना ये शाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा। अच्छा, शाइनिंग के लिए ज़्यादा, चमक के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें एलुमिनियम जो है वो कम, बहुत ज़्यादा निस्बतन कम होता है एलुमिनियम। उसके अलावा इसकी जो है यहाँ इस वक्त मूसा खेल के मकाम पर जिसकी प्रोडक्शन है वो डेली तकरीबन ये 300 टन तक हम डेली निकाल सकते हैं यहाँ से। 300 टन तक रोज डेली बेसिस पे निकाला जा सकता है। और कितने पीरियड तक निकाला जा सकता है इसकी, यानी क्वांटम ऑफ जो है इसकी, यानी ये मतलब मैक्सिमम 200 साल, मतलब एक बहुत बड़ी 200 साल, एक बहुत बड़ी लाइफ जो है ये यहाँ से इसकी कवर कर सकती है और करती है और कर रही है बहुत सालों से, कर रही है पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। सही, बिल्कुल है। एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है ये, अगर प्रोसेस करके कुछ प्रॉपर तरीके से प्लांट लगाकर इसको जी प्लांट वगैरह लगो तो फिर इसको कर सकते हैं। जी जी वाश करके जी। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर अगर इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टर्स यहाँ अगर इन्वेस्ट करें तो प्रोसेस प्लांट या देसी तरीके से प्रोसेस प्लांट लगा के इसको मजीद रिफाइन करके आगे ले जा सकते हैं और बहुत आगे तक इसको, इसकी प्रोडक्शन लेके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करके अपने इन्वेस्टमेंट को मजीद इन्हेंस कर किया जा सकता है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो ये इसकी जो तीन किस्म की इसमें क्वालिटी है जी जी जी, और ये तीनों जो है इसको क्या कहेंगे दोबारा, चाइना के लिए। इसके और भी मुख्तलिफ नाम होते हैं या केटन भी बोलते हैं, और मुख्तलिफ नाम है, क्या कहते हैं, केटन भी कहते हैं, केटन भी कहते हैं, ज्यादा हम देसी हिसाब से चाइना के लिए कहते हैं, चाइना के लिए कहते हैं। सही है, ठीक है। इसका मतलब पाकिस्तान में इसको ज़्यादातर चाइना किले का नाम दिया जाता है, चाइना किले का नाम दिया जाता है, केडिटन या चाइना किले। और ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो सकती है, मतलब ये ट्रकों से जाता है या ट्रेनों से जाता है, ट्रेन पे भी जाता है, ट्रेन पे भी जाता है, ट्रकों में भी जाता है, डंपर पे आता है जी। सही, एक्सकेवेटर मशीन से भी निकालते हैं, मजदूरों से भी निकालते हैं, मजदूरों से निकालते हैं, एक्सकेवेटर मशीन से निकाल के फिर वो जो होते हैं छोटे ट्रक उन पे इधर ले आते हैं इसको, सही, यहाँ स्टॉक कर लेते हैं। सही है। उसके बाद यहाँ से फिर जो है वो बड़े ट्रकों पे बाकी मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जाते हैं, कराची जाते हैं, कराची बाय रेल भी जाता है, बाय रोड भी जाता है, ज़्यादा वो मैक्सिमम अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर उसको हम बाय रेल भेज देते हैं। इसके अलावा कि अच्छा, पाकिस्तान में और कितनी कितनी जगहों पे ये निकलता है, ज़्यादातर ये मियाँ वाली में निकलता है, ज़्यादातर मियाँ वाली में निकलता है, मियाँ वाली में, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर मियाँ वाली ही से सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज इस तरह की आइटम्स को लेकर चल रही है। पाकिस्तान की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ मियाँ वाली ही सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं या मिनरल्स हैं इनको सब ये मियाँ वाली सपोर्ट कर रहा है सारा। तो चलें फिर अगली वाली जो चीज़ है उसकी तरफ चलते हैं। और ये उमर भाई भी नज़र आ रहे हैं, और ये सफ़त खान साहब नज़र आ रहे हैं, उमर खान साहब नज़र आ रहे हैं, और हमीदुल्ला खान साहब नज़र आ रहे हैं।